हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के हे बेबी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैंने 6 मंथ के बेबी के डेवलपमेंट माइलस्टोन के बारे में बताया है, मतलब अगर 6 मंथ का बेबी हो जाता है तो उनमें कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से एक्टिविटीज है जिसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है या नहीं। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि वो कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जिसे 6 मंथ के बेबी नहीं करते हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इससे पहले की वीडियो में मैंने ये बताया था कि न्यूबॉर्न बेबी के केयर में आपको वो कौन कौन सी चीजों का खास ध्यान रखना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जो हमारे चैनल ही बेबी पे नए हैं, उनसे ये बोलना चाहूंगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो देट आने वाले वीडियोज की अपडेट उनको मिलती रहे। सिक्स मंथ के बाद बेबी के आईज 80% तक डेवलप हो जाते हैं। अब वो अलग अलग कलर्स को पहचानने लगते हैं। इस एज में बच्चे डार्क और ब्राइट कलर की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप 6 मंथ के बेबी के आगे अलग अलग खिलौने को रखेंगे तो बेबी उनमें से ब्राइट कलर वाले खिलौने को पहले उठाएंगे। और 6 मंथ के बाद बेबी का लिसनिंग पावर काफी इम्प्रूव हो जाता है। अगर आप बेबी को उनके नाम से बुलाते हैं तो वो मुड़ के देखते हैं, उन्हें ये समझ में आने लगता है कि कोई उन्हें बुला रहा है। 6 मंथ के बाद बेबी का टच क्यूरियोसिटी काफी बढ़ जाता है। वो हर चीज को टच करते हैं और उन्हें फील करना चाहते हैं। 6 मंथ के बेबी के पास जाकर आप अगर बात करते हैं तो वो आपके बातों को दोहराने की कोशिश करते हैं। इस टाइम बेबी कुछ स्पेसिफिक टाइप की आवाज निकालते हैं, जैसे मामा, बाबा, ये सब। 6 मंथ के बाद बेबी के मसल्स और बोन मैच्योर हो जाते हैं। अब आप अगर बेबी को लिटाते हैं तो वो पलटने लगते हैं। अगर आप बेबी के आसपास कोई टॉयज रखते हैं तो बेबी क्रॉलिंग करके टॉयज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। 6 मंथ के बेबी को आप अगर बैठाएंगे तो वो अपने बॉडी को बैलेंस करके बैठ जाते हैं। और आप बेबी को सपोर्ट देकर खड़ा करेंगे तो वो खड़ा हो जाते हैं। 6 मंथ के बाद बेबी का मोटर स्किल या ग्रिपिंग पावर पहले से काफी इम्प्रूव हो जाता है। अब बेबी अपना सारा फिंगर यूज करने लगते हैं। 6 मंथ के बाद बेबी का डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है। अब आप उनको दूध के अलावा सॉलिड फीडिंग करा सकते हैं। तो ये थे 6 मंथ के बेबी का फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे बेबी के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। 6 मंथ का बेबी अपने पेरेंट्स के फेस को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बेबी को जब कभी मदर या फादर अपने गोद में बुलाते हैं तो बेबी खुश होकर उनके पास जाने के लिए ट्राई करते हैं। जबकि उन्हें कोई स्ट्रेंजर अपने गोद में बुलाता है तो बेबी नहीं जाना चाहते हैं। 6 मंथ के बेबी के साथ आप अगर खेलते हैं तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगर आप उनके सामने अलग अलग आवाज निकालते हैं तो वो भी आपकी नकल करने की कोशिश करते हैं। 6 मंथ के बाद बेबी 6 to 8 आवर तक लंबी नींद लेने लगते हैं। अब वो पहले की तरह रात में बीच बीच में नहीं उठते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ उन एक्टिविटीज को जिसको कि एक 6 मंथ के बेबी को करना जरूरी है। अगर आपका 6 मंथ का बेबी ये एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फर्स्ट, बेबी 6 मंथ के बाद सपोर्ट देने पर भी बैठ नहीं पा रहा है या खड़ा नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर से मिले। सेकंड, अगर बेबी मुंह से बिल्कुल आवाज नहीं निकाल रहा है या फिर आवाज सुन के रिएक्ट नहीं कर रहा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। थर्ड, अगर 6 मंथ का बेबी हाथ में कोई भी चीज को पकड़ नहीं पा रहा है, सारी उंगली का मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बता। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिनके छोटे बच्चे हैं। और बेबी केयर के ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हे बेबी को सब्सक्राइब करें।